चैनल, जैसा कि आप जानते हैं हम वियतनाम की ट्रिप पर हैं और अभी हम इस वक्त हैं दनांग शहर, वियतनाम के दनांग शहर में। और आपने देखा ही होगा इसके पिछले व्लॉग में कि काफ़ी खूबसूरत शहर है और काफ़ी अच्छी रोड्स और काफ़ी वेल मेंटेन और काफ़ी क्लीन सिटी है। तो अभी मैं इस वक्त हूँ अपने होटल के बाहर और मैं जा रहा हूँ ड्रैगन ब्रिज, और चलिए आप भी मेरे साथ एक्सप्लोर करिए ड्रैगन ब्रिज। और अभी हमने एक ग्रैब बाइक बुक की है ओनली 26,000 VND में, तो अभी वो आती होगी। तो चलिए आप बाइक राइड भी इंजॉय कीजिए और चलते हैं अपन ड्रैगन ब्रिज। और मे भी आज संडे है और संडे के दिन काफ़ी क्राउड वहाँ हमें देखने के लिए मिलेगा, तो चलिए चलते हैं। और चैनल में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब कीजिए, लाइकन भी दबाइए ताकि आपको आने वाले वीडियो से सभी नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। ये देखिए हमारी ग्रेप बाइक आ चुकी है और ये है हमारा आज का ड्राइवर। तो चलिए चलते हैं ड्रैगन ब्रिज और इन्जॉय करते हैं ड्रैगन ब्रिज पे, देखते हैं हमें क्या क्राउड और कितना अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है। तो चलिए, तो गाइस देखिए हम निकल चुके हैं अपने ड्रैगन ब्रिज के सफ़र के लिए और हमारी बाइक चल चुकी है ड्रैगन ब्रिज के सफर। तो बने रहिए चैनल में और इन्जॉय कीजिए आप भी हमारे साथ ड्रैगन ब्रिज। और यहाँ का काफ़ी फेमस टूरिस्ट स्पॉट है वो, और काफ़ी लोकल्स और काफ़ी टूरिस्ट वहाँ पर जाते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक लोकल मार्केट है और ये बिल्कुल लगा हुआ है ड्रैगन ब्रिज से। तो चलिए चलते हैं और इसको एक्सप्लोर करते हैं अंदर, हमें इसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। और ये एक फूड स्ट्रीट है, तो पहले अपन इस फूड स्ट्रीट को एंजॉय करते हैं और फिर चलते हैं ड्रैगन ब्रिज की तरफ। तो पहले आप एक्सप्लोर करिए फूड स्ट्रीट और आपको यहाँ सब लोकल फूड खाने के लिए मिलेंगे, तो आप यहाँ इंजॉय कर सकते हैं लोकल फूड को और ये आपको काफ़ी चीप रेट में अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए देखिए, ये देखिए आप, ये देखिए देखिए, जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ पे सी फूड की भरमार है। देखिए आप सी फूड, ये देखिए आप आ सकते हैं और अपना सी फूड यहाँ इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए आप सी फूड, ये देखिए आप मेरे दोनों साइड देखिए सी फूड, ये देखिए, ये देखिए आप कॉम्बो पैक, अगर आप सी फूड के शौकीन हैं तो अगर आप सी फूड के शौकीन हैं तो यहाँ आइए आप ज़रूर, आप अपना सी फूड इंजॉय कीजिए। ये देखिए आप, मेरे पीछे कितना हर तरह का सी फूड देख सकते हैं आप, देखिए ये देखिए सी फूड, चिकन भी अवेलेबल है यहाँ, लेकिन आप देखिए सी फूड में कितनी वैरायटीज़ हैं यहाँ पे, देखिए देखिए सी फूड में आपको यहाँ बहुत वैरायटी मिलेगी। देखिए आप, ये देखिए ये कुछ कोल्ड ड्रिंक और जूसेस शॉप, ये
आप देख रहे पा रहे होंगे, आप जैसे ही बाई कीजिए यही आपको बारबेक्यू करके कंप्लीट करके देंगे लोग। हेलो आफ्टर सम टाइम ये देखिए आप, देखिए यहाँ पर बड़े प्यार से बात की जाती है। ये देखिए बारबेक्यू, ये देखिए ऑमलेट बन रहे हैं, ये देखिए आप, ये एक और जूस शॉप है। और आप एक बार नोटिस कीजिए यहाँ पे हर शॉप पर आपको लेडीज ही मिलेगी, देखिए आप हर शॉप। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप के लिए यहाँ पर भर भर के फूड है, और अगर आप वेज हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर हर शॉप पे नॉन वेज अवेलेबल है हर शॉप पे। अब आप इसमें यहाँ पर कुछ 360 व्यू एंजॉय कीजिए, मैं आपको यहाँ के 360 व्यू दिखाता हूँ। देखिए गाइस, ये सब आपको यहाँ जामफल और आम और कोकोनट वाटर और संतरा मौसम भी सब कुछ मिल जाएगी। ये देखिए एक वेजिटेबल शॉप है, बट यहाँ भी नॉनवेज अवेलेबल है। ये देखिए हेलो ये देखिए आप, आपको यहाँ बियर्स भी अवेलेबल है। ये देखिए आप बियर्स, यहाँ बियर्स भी मिल जाएगी आपको। ये देखिए ऑक्टोपस के लेग यहाँ पर बारबेक्यू किए जा रहे हैं।
अभी क्यों देखिए आपको बस के लिए और आप अगर बियर के शौकीन रहे हैं बियर भी आपको मिल जाएगी, बियर भी बड़ी इजीली अवेलेबल है यहाँ पर। ये देखिए आप स्वर्ग है। और अगर आप स्पेशली आप सी फूड लवर हैं तो आपको काफ़ी वैरायटीज यहाँ सी फूड की देखने के लिए मिल जाएगी। ये देखिए गाइस सी फूड। हेलो सी बारबेक्यू। ये क्या बारबेक्यू? तो देखा गाइस आपने, ये सी फूड स्ट्रीट और स्पेशली सी फूड स्ट्रीट। तो अब चलते हैं अपन आगे की तरफ और इस सी फूड स्ट्रीट से बाहर निकलते हैं और आगे की तरफ देखते हैं हम क्या और इस मार्केट में हमें और क्या क्या देखने के लिए मिलता है। तो चलिए चलते हैं आगे। देखिए आगे क्रिसमस ट्री, ये देखिए लाइव म्यूजिक चल रहा है। चलते हैं और ये देखिए आप लेडीज़ मार्केट में हम इंटर कर चुके हैं और ये देखिए आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी चलिए उधर से चलते हैं। ये देखिए देख सकते हैं आप सब लेडीज़ों के लिए सारे आइटम अवेलेबल हैं। कुछ डॉल शॉप भी हैं और ये कुछ गिफ्ट शॉप हैं। देखिए सामने एक बड़ा रेस्टोरेंट है।
आप अपने ड्रिंक्स इंजॉय कर सकते हैं वहाँ बैठ कर। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फूड स्ट्रीट पे ही जाके अपने ड्रिंक्स भी इंजॉय कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपन अपने ड्रैगन ब्रिज की तरफ और देखते हैं वहाँ पे हमें क्या नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो गाइस बताइए आपको ये लोकल स्ट्रीट कैसी लगी, और आप जब कभी भी दनांग आए तो इस लोकल स्ट्रीट को ज़रूर एक्सप्लोर करें, और काफ़ी अच्छी लोकल स्ट्रीट है। और अगर आप शौकीन है सी फूड के तो आपके लिए तो ये जन्नत है, और आप अपना आगे यहाँ सी फूड और ड्रिंक्स इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आप ड्रैगन ब्रिज की तरफ।